समय समय पर ब्रिटेन से कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की मांग उठती हुई नजर आती रहती है। एक बार फिर मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के राज्याभिषेक के समय उनकी पत्नी और रानी कैमिला ने कथित तौर पर कोहिनूर हीरे से जड़ा महारानी एलिजाबेथ का मुकुट नहीं पहनने का फैसला किया है। इस खबर के बाद से कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इसी मुद्दे पर ब्रिटेन के एक मशहूर टीवी शो में बहस तक हो रही है, जहां लेखिका और एंकर एम्मा वेब और भारतीय मूल की पत्रकार नरेंद्र कौर की आपस में भिड़ंत होती देखी। बहस के दौरान एम्मा वेब ने तर्क दिया कि हीरे के मालिकाना हक को लेकर बवाल खड़ा हो सकता है। जवाब में नरेंद्र कौर उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ने की नसीहत देती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आपको इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। दरअसल बात शुरू हुई तो दोनों ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। इसी दौरान विवाद बढ़ता चला गया, मामला तीखी नोकझोंक तक पहुंच गया। एम्मा वेब ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि उस समय सिख साम्राज्य का लाहौर पर भी शासन था, तो क्या पाकिस्तान भी इस पर दावा करेगा। एम्मा ने कहा कि सिख साम्राज्य ने कोहिनूर हीरे को ईरानी साम्राज्य से चुराया था और ईरानी साम्राज्य ने मुगल शासकों पर आक्रमण करके इसे छीन लिया था, तो इस वजह से कोहिनूर हीरे के स्वामित्व पर विवाद। इस पर भारतीय मूल की पत्रकार ने कहा, आप इतिहास नहीं जानती हैं, ये विचार उपनिवेशवाद और खून खराबे का प्रतिनिधित्व करता है। इस कोहिनूर हीरे को भारत को वापस दे दिया जाए। वीडियो को ट्वीट करते हुए भारतीय मूल की पत्रकार ने लिखा है कि कोहिनूर हीरा भारत की मिट्टी में पाया गया था। ये कोहिनूर हीरा इस वक्त अंग्रेजों के काले क्रूर उपनिवेशिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। उनके पास उपनिवेशीकरण से हासिल इस हीरे को रखने का कोई अधिकार नहीं।